इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। एमपी के डिंडोरी में बड़ा हादसा हुआ है, दो मंजिला पक्का मकान गिर गया। मलबे के नीचे दबे तीन मजदूर, एक मजदूर की मौत की जानकारी मिल रही है तो दो का इलाज जारी है। बारिश के कारण यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के डिंडोरी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। दो मंजिला पक्का मकान गिर गया और मलबे के नीचे तीन मजदूर दब गए की मौत, दो घायल जिनका इलाज जारी है। उत्तर और मध्य भारत में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो रही है और लगातार बारिश की वजह से कई इमारतें जो कमजोर हैं वो ध्वस्त हो जा रही हैं और ऐसा ही हादसा हुआ है। एमपी के डिंडोरी में एक दो मंजिला पक्का मकान गिर गया। हादसे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है जबकि दो मजदूर घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। आप तस्वीरें देखिए कैसे मलबा हटाकर बाहर निकालने का प्रयास किया गया। दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है और एक की मौत की जानकारी है। गुजरात में आफत देखने को मिल रही है। आसमान से बरस रही आफत से गुजरात और राजस्थान के लोग काफी परेशान हैं। दोनों ही राज्यों में कई जगह बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जबरदस्त नुकसान भी हुआ है। बारिश का कहर गुजरात और राजस्थान में भी जमकर उत्पात मचा रहा है। खासकर अहमदाबाद के कई इलाके हैं जहाँ बारिश की वजह से कहीं सड़क धस गई तो कहीं लोगों के घरों में पानी भर गया। अहमदाबाद के शेला इलाके का ये वीडियो देखिए। भारी बारिश का कहर यहाँ की सड़क नहीं सह पाई और धंस गई। गनीमत रही कि उस समय कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। करीब 30 फीट से ज्यादा चौड़ी जमीन पूरी तरह से धराशायी हो गई। अहमदाबाद के रिहायशी इलाकों का हाल तो और भी बुरा है। अपार्टमेंट में पानी भरने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोसाइटी के कई बंगले पानी से गिर गए हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ भारी बारिश के बाद पेड़ उखड़ गए और आसपास खड़ी गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। तीर्थ नगरी द्वारका और कल्याणपुर में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ आ गई। कल्याणपुर पंथक के बनकोटी गांव में नदी में बाढ़ आ गई जिससे आरोटा बैराजा सहित गांवों के खेत पानी में डूब गए। इसरो गगनयान मिशन की तैयारी में लगातार जुटा हुआ है, लेकिन चूड़ियों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में इस मिशन के लिए हाई टेक्नोलॉजी पैराशूट तैयार किए जा रहे हैं। गगनयान मिशन पूरा करने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी जो एकदम सुरक्षित है। इसमें पृथ्वी पर लैंडिंग करने में न केवल मदद मिलेगी बल्कि कोई जनहानि भी नहीं होगी। फिरोजाबाद में तैयार हो रहे इन पैराशूट को जल्द ही इसरो को सौंपा जाएगा। ये पैराशूट नायलॉन टेक्नोलॉजी से तैयार हो रहा है। पैराशूट से हमारे जो चारों एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस से वापस लौट रहे होंगे वो एक कैप्सूल के थ्रू अर्थ पे उतरेंगे और वो जो कैप्सूल है वो हमारे ही पैराशूट्स के द्वारा ग्राउंड पे आएगा। इस तरह के हाई टेक्नोलॉजी वाले पैराशूट पहली बार भारत में बनाए जा रहे हैं। अभी तक ये टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका और चीन के पास थी, लेकिन अब भारत भी उसकी बराबरी कर सकेगा। हर साल की तरह इस साल भी उत्तर प्रदेश में वन विभाग की कई करोड़ पौधे लगाने की योजना है और इस योजना के तहत लखनऊ में करीब 39 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही अलग अलग इलाकों में चार वाटिकाएं भी बनाई जाएंगी जिनमें विरासत वृक्ष वाटिका, वानर वाटिका, शक्ति वाटिका और आयुष वाटिका शामिल है। लखनऊ में भी इसमें 39 लाख पौधों का टारगेट दिया गया है। 15 लाख पौधे वन विभाग स्वयं लगा रहा है और 24 लाख अन्य विभाग लगा रहे हैं। इसके अंतर्गत चार मुख्य वाटिकाओं का इस बार निर्माण किया जा रहा है। इनमें से वानर वाटिका में बंदरों के खान पान के लिहाज से पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग के मुताबिक वानर वाटिका में बंदरों के खाने के लिए फलदार पौधे और सब्जियां लगाई जाएंगी। इससे बंदरों को खाने के लिए शहरी क्षेत्रों में भटकना नहीं पड़ेगा। वानर वाटिका में जामुन, केला और कटहल के पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी जबकि शक्ति वाटिका में महिलाओं से पौधारोपण कराकर नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया जाएगा। वहीं विरासत वाटिका में ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जिनकी उपलब्धता समय के साथ कम होती गई, जबकि आयुष वाटिका सरदार पटेल विश्वविद्यालय में बनेगी। इसमें कचनार, अर्जुन, बहेड़ा और आंवला समेत अन्य औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। जीनी।